तुम ये सब मत करो, मेरी करीब आने की कोशिश है। मेरे पति को पसंद नहीं है, गॉट इट? तो अपने पति को बोलो तुम्हारे साथ रहना। तुम जगह दोगे तो रहेगा ना पास, और ना मैं परेशान हो रही हूँ रणबीर, मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, उसे और मत बिगाड़ो, मैं हाथ जुट जाऊँ तुम्हारे। ठीक है अक्षय, सुनो ना, तुम एक काम करो, तुम प्राची के पास खड़े हो जाओ, आके उसको अच्छा लगेगा। धोने से कुछ नहीं होना है, सब ठीक हो जाना है। अंकल क्या हो रहा है यहाँ पे? सब ठीक है सना बेटा, प्राची, मीका, अक्षय सब बच्चे मॉल में हैं, और मॉल में चोर घुस गए हैं। चोर? हाँ, अंदर पुलिस भेजी ना आप लोगों ने? हाँ हाँ, पुलिस गई हुई है अंदर। और कितना टाइम लगेगा लॉक खुलने में? हो गया सर, बस 5 मिनट और। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तू बहुत चलाक समझती अपने आप को। कोई शोर नहीं मचाएगा, ये मरती है तो मरने दो। वैसे भी इसका जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। छोड़ उसको। ए इंस्पेक्टर, गन नीचे कर दे। पीछे, बिल्कुल पीछे। तू चल मेरे साथ, शुरू से मुझे इसने दुखी करके रखा हुआ है। चल, और तू दरवाजा खोल फटाफट, दुखे इन लोगों को। मुझे बचाओ प्लीज, प्लीज कोई बचाओ, ये सच में मुझे मार देगा। प्लीज प्लीज अक्षय, अक्षय सेव मी, प्लीज कुछ करो प्लीज अक्षय, प्लीज। उठाओ ना, उठाओ भाई, कंतु ना, झुको। प्राची,
तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? चलो ना तुम क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्राची ठीक है, इट्स ओके। रणवीर तुम ठीक हो? हाँ ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। बट इतना खून निकल रहा है रणवीर। नहीं नहीं इट्स फाइन, ये नॉर्मल है, ये ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो ना? हाँ गुड। ये दोनों अब साथ में हैं, आई मीन एंगेजमेंट होने वाली है। हेलो। हाँ बोल। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। पल्लवी रणबीर ने कहा कि हमें घर पहुंचना है। रणबीर घर? घर क्या है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ इतना सुना कि हमें घर पहुंचना है। रणबीर घर पर है? चल चल चलते। चलो घर चलते हैं। करने क्या आए थे? क्या हो गया? भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। रब दी मेहर है, बच्चे सही हैं, सुरक्षित हैं। ये जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ, याद मत करना। आप अगर आप लोगों की परमिशन हो मैं प्राची को अपने साथ घर ले जाऊं। हम काफी दिनों के बाद मिले हैं ना, तो ऑफ कोर्स लेके जाओ तुम, क्यों नहीं? नहीं आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग हैं वो यही कहना चाहेंगे, वो भी थोड़े स्ट्रेस में शॉक में इसने बोल नहीं पा रहे, बट आई थिंक तुम्हें लेके जाना चाहिए प्राची। हाँ बच्चे हाँ, प्राची अगर घर जाना चाहती है तो जा सकती है, मुझे भी लगता है कि इसे आराम की जरूरत है। डोंट वरी मैं प्राची का पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ कोई बात नहीं, उसे ले जाना, लेकिन प्राची आराम जरूर करना। रख दिया
समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको आ जाए यहाँ पर इधर आप यहाँ यहाँ बैठ प्राची बैठ प्राची मैं कुछ बोल रही हूँ बैठ ना यहाँ पे बैठ तू ना रिलैक्स कर मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती प्राची तू ठीक है ना ऐसे कैसे तू दिखा मुझे तुझे कहीं लगी तो नहीं है ना प्राची ये गर्दन पे निशान ये कैसे आए रणबीर को पता है कि मंगलसूत्र मेरे लिए क्या मायने रखता है मंगलसूत्र मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है मेरी क्या फीलिंग्स जुड़ी है उसे सब पता है क्या और अक्षय उसे लगता है कि ये बस एक कीमती जेवर है पैसों में तोला उसने इसे और मेरी इमोशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना अच्छी पता नहीं तुम्हें क्या बड़बड़ा रही है तुम्हें रिलैक्स कर तुम अभी भी सदमे में मैं काम करती हूँ तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ तू यहीं पर बैठेगी ना मैं आती हूँ अक्षय अक्षय सेव मी प्लीज कुछ करो प्लीज अक्षय प्लीज राजी झुको घर पहुंच गए आखिर इतना टेंशन हो गया था अब ना आराम करो सब लोग हाँ हीरो हीरो है रणबीर एकदम आई मीन जिस तरह से उसने कमाल दिखाया ना जिस तरह से उसने वहाँ हिम्मत दिखाई है कोई हीरो ही कर सकता है रणबीर जो तुमने वहाँ हिम्मत दिखाई है ना तुम बहुत ब्रेव हो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि रणबीर वहाँ पहुँच गया और सबकी जाने बच गई बेटा भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तेरी हर मनोकामना पूरी करे रियली ताई जी रणबीर ना ये लाइफ सुपर हीरो है और आज नहीं हमेशा से याद है एक बार मीका को बचाया था गुंडों से इसे बताया भी तो था पर आज देखो प्राची भाभी को इतने सारे चोरों से बचाया रियली रणबीर टू गुड यार थैंक यू ब्रो एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं भी प्राची को बचाने ही वाला था बट मैं उठा भी था इनफैक्ट पर पता नहीं सडनली मेरे पैर पे क्रैम्प आ गया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया कोई नहीं ज्यादा लगी तो नहीं बुआ ठीक है बेटर है चलो अंत भला सो सब भला तो दिव्या सही कहा तूने ये जो भी भला है वो रणबीर की वजह से हुआ है तो आज का हीरो तो रणबीर ही है भाई मुझे थकावट सी महसूस हो रही है मैं लेटने जा रहा हूँ तुम लोग भी थक गए होगे जाके अपने अपने कमरे में आराम करो हाँ भाई सब लोग आराम करो अक्षय मीका जाओ बेटा रणबीर बच्चे तू भी जा बता कैसे हुआ आ गया था मैं था वहां पे मैंने देखा तुम्हें तुम्हें कोई क्रैम्प नहीं आया था तुम बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हुए थे शक्ल भी जो था वो बहुत ज्यादा डर था और यहाँ पे आके सबके सामने एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ ऐसे डबल फेस्ड क्यों तो ये इतनी फेकनेस क्यों क्या हुआ भाई अब कुछ होने का वेट करूं मैं हाँ अपने बॉयफ्रेंड को बोल कि मेरी पत्नी से दूर रह ये क्या बोल रहे हो भाई
हो क्या गया आपको? हो क्या गया है मुझे? हा? अरे उसे क्या हो गया है? सारी की सारी हदें पार कर दी है उसने, सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। क्या दिला उसे एहसास करा कि वो यहाँ क्यों आया था? तेरे लिए, मेरी बीवी के लिए नहीं। और अगर तू नहीं कर सकती ना, तो मैं जाके एहसास कराता हूँ उसको। भाई भाई ये कैसे बातें कर रहे हो आप, और वो भी रणबीर के लिए? वो कोई सड़क चलता आदमी नहीं है, रणबीर है वो। आप ऐसे बात नहीं कर सकते उसके बारे में। ओ, रणबीर है वो, तो क्या करूं मैं? उसकी आरती उतारूं, पूजा करूं उसकी? हाँ, ये चाहती है तू? अरे तुझे दिख क्यों नहीं रहा जो मुझे दिख रहा है? देखा ना तूने, हर वक्त हर समय मेरी पत्नी के आसपास घूमता रहता है वो, देखता रहता है, घूरता रहता है। देखा है मैंने, मॉल गए थे ना हम शॉपिंग के लिए, लेकिन वो वहां पर क्या कर रहा था? सिर्फ मेरी पत्नी को देख रहा था, उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। देखा था मैंने, दिखाई नहीं देता तुझे ये सब? हाँ, तो उसका रीजन था ना भाई, क्योंकि आप डर गए थे उन चोरों का सामना करने से, डर रहे थे आप। जो आपको करना चाहिए था वो रणबीर ने किया, आपकी वाइफ को बचाया है उसने, और आप उसे थैंक यू बोलने की जगह उसके बारे में ऐसी, गॉड, बोलना तो दूर, मैं तो सोच भी नहीं सकती जो आपने अपने दिमाग में सोच भी लिया और बोल भी दिया। मीका सुन मेरी बात, ये जो तू ज्ञान बांट रही है इसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अब जो तू मुझे इतना सुना रही है, तो तू ही मुझे एक बात बता, रणबीर ने मेरी पत्नी को बचाया अपनी जान की परवाह किए बगैर, और तुझे लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करता? हाँ, सीरियसली? एग्जैक्टली, मैंने तो नहीं देखा आपको प्राची भाभी को बचाते हुए, और आप तो हमेशा ये क्लेम करते हो ना कि आप उनसे प्यार करते हो, करते हो ना ये क्लेम? बोलो, करते हो ना प्यार? तो फिर आप कहाँ थे जब प्राची भाभी खतरे में थी? जस्ट बाय द वे, रणबीर ने ये जो सब किया है मेरे कहने पे किया है। यस, मैंने उसे बैक किया था इशारों में कि प्लीज जाके प्राची भाभी को बचा लो, और उसने मेरी विश के लिए अपनी लाइफ दांव पे लगा दी। इतना बड़ा रिस्क लिया उसने, और आप उसे थैंक यू बोलने की जगह उस पर इल्जाम लगा रहे हो, वो भी इस लेवल का? गॉड, एंड भाई, ही इज अ रियल मैन अनलाइक यू। मीका, चिल्लाओ मत। यू नो व्हाट, यू हैव लॉस्ट इट, यू हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो मैं देख पा रहा हूं। थैंक गॉड, एटलीस्ट मैं आपकी तरह शकी तो नहीं हूं। फाइन फाइन, अब मैं तुझे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो जो ये मर्दानगी दिखा रहा है ना, वो किसके लिए। प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो प्राची से प्यार करता है। एंड मीका, गॉड फॉरबिड, अगर मेरी बात सच निकली ना, तो मैं उसे इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि उसका खून निकल जाएगा, लेकिन लेकिन फिर भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जस्ट प्रे टू गॉड कि ऐसा ना हो। आई डोंट माइंड भाई, क्योंकि आप कुछ प्रूव ही नहीं कर पाओगे, जो है ही नहीं उसे साबित कैसे करोगे आप? प्राची, क्या हुआ, तू ठीक है? हाँ नहीं, कुछ सही नहीं है, सब गलत है, सब खराब है, गलत ही है। क्या क्या गलत है बताएगी तो मुझे, क्या हुआ है? नहीं पता क्या गलत है, पर सब गलत है। भगवान पता नहीं क्यों करे मेरे साथ ऐसे, मैंने क्या बिगाड़ा है, हमेशा ऐसी सिचुएशन लेके आते हैं, मुझे नहीं समझ आता सब गलत क्यों है, सब गलत है जाना, सब गलत है। अच्छी। अच्छी।
तो बताएगी बात क्या है, क्या हुआ है? हाँ क्या हो रहा है? ये मंगलसूत्र याद है तुझे? नहीं ना, उसे याद है, उसे सब याद है, हर चीज याद है। पता नहीं भूला है, क्यों नहीं भूला है पता नहीं, पर भूल नहीं गया है, वो सब याद है उसे। राजी तू मुझे साफ साफ बताएगी वो क्या रहा है? हाँ अक्षय मुझसे रणबीर के बारे में पूछ रहा था।